तो यार देखो सीधे पॉइंट की बात पे आते हैं। इस वाली वीडियो के अंदर ना मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक को यूज करके ना आप इजीली अपना कोई सा भी वर्ड, ठीक है ना, कोई सा भी वर्ड आप अपलोड कर सकते हो एटनोस के सर्वर पे। अब यार एक चीज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे काफी सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन ऐसा आएगा कि यार एटनोस पे वर्ड अपलोड करना में क्या बड़ी बात है, मतलब कोई भी कर सकता है। तो जी हाँ, कोई भी कर सकता है, लेकिन पता है दिक्कत कहाँ आती है? आप में से काफी सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही होगी कि आप जैसे ही मतलब अपलोड तो कर देते हो अपना वर्ड एटनोस के ऊपर जाके, ठीक है, लेकिन आप जैसे ही उस वर्ड को अपलोड होने के बाद जैसे आप गेम खेलते हो ना, तो वहां पर आप देखते होंगे कि पूरा का पूरा एक नया वर्ड बन चुका है, मतलब पूरे नए सीट्स आ गए, मतलब आपने जो वर्ड अपलोड किया था वो वर्ड का तो नामो निशान ही नहीं है वहां पे, तो ऐसा कुछ। अब देखो इस टॉपिक के ऊपर ना यूट्यूब के ऊपर काफी बंदों ने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, और उन्होंने बोल सही सही चीजें भी बता रखी है कि हाँ भैया ऐसे जाओ, ऐसे मतलब एटनोस के सर्वर के ऊपर जाओ और ऐसे आप वर्ड अपलोड कर दो। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे उनको गलत नहीं बताऊंगा, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बंदे झूठ बता रहे गलत बता रहे, नहीं वो सही बता रहे, लेकिन आपको एक बात समझ नहीं होगी कि एटनोस के ऊपर जब आप सर्वर बनाते हो ना तो वहां पे आपको वो दो ऑप्शन पूछता है, ठीक है, दो ऑप्शन पूछता है आपसे कि आपके जावा एडिशन करके खेलना चाहते हो, मतलब जावा एडिशन का सर्वर बनाना चाहते हो या फिर पॉकेट एडिशन का सर्वर बनाना चाहते हो। तो यार देखो एक बात तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप मोबाइल के अंदर खेलते हो तो आप जावा मतलब एटनोस के सर्वर पे बेडरॉक एडिशन करके तो नहीं खेलोगे, ठीक है ना, आप वहां पे जावा एडिशन करके ही आप सर्वर बनाओगे। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो काफी टाइम से देख रहे हो या फिर आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी पुरानी, तो मैं भी अपने हर वीडियो में यही बोलता हूं कि आप एटनोस का सर्वर बनाओ और वहां पे आप जावा एडिशन सेलेक्ट करके रखना, ताकि उससे क्या होगा कि आप जावा एडिशन के सारे मजे मतलब पॉकेट एडिशन में उठा पाओगे। जैसे कि TNTD ऊपर बना सकते हो आप मस्त तरीके से, आप आयरन फार्म चला सकते हो, और जैसे जितनी भी फार्म है ना, जितनी भी चीजें जो आप जावा एडिशन के अंदर कर सकते हो वो सारी चीजें आप मोबाइल के अंदर कर सकोगे। हाँ, और बहुत इजी चीज है, सिर्फ आपको एटनोस का सर्वर बनाना रहता है। अब देखो यार यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि आपने एटनोस का सर्वर भी बना लिया मतलब जावा एडिशन में सिलेक्ट करके, लेकिन अब आप जब अपना वर्ड वहाँ पे अपलोड कर रहे हो, मतलब आपने भी तक मेहनत से आपके पॉकेट एडिशन में सालों साल खेल खेल के मतलब एक वर्ड बना रखा होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं हेलो नाम का एक वर्ड बना लेता हूँ और मैं इसी के अंदर आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि देखो ये जो मेरा पॉकेट एडिशन के अंदर सर्वर बना रहा हूँ ना, मैं ये वर्ड इसी वर्ड को मैं आपको जावा एडिशन मतलब जावा वर्जन पे अपलोड करके बताऊंगा। अब देखो एक चीज बताना हूँ, इस वीडियो को अगर आप इंटरेस्टेड हो मतलब कैसे वर्ड अपलोड करते हैं और ये सब, तो इस वीडियो को ना ध्यान से देखना बिना स्किप किए, क्योंकि काफी सारे लोग क्या होते हैं मतलब वीडियो को स्किप करके मतलब उस पार्ट में निकल जाते हैं, अरे यार भैया उस पार्ट में निकलते फटाफट कि किस जगह ये बंदा मतलब ट्रिक बता रहा है, मतलब काम की चीज बता रहा है, उस जगह चले जाते हैं। पर ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने पहले भी काफी सारी वीडियो बना रखी है और उनमें सब मतलब बंदे देखते तो है लेकिन क्या करते हैं कि वो स्किप करके आगे निकल जाते हैं और फिर वो मेरे को आके कमेंट के अंदर पूछते हैं यार कि भैया यार कैसे अपलोड किया और क्या हो रहा है, मेरा तो वर्ड नहीं बन रहा और ये नहीं हो रहा है। तो यार एक बात बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें ना मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर देता हूँ वीडियो के अंदर, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखते नहीं हो और फिर आप आते हो मतलब कमेंट में, खैर मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन ऐसा मत करा करो, आप मतलब वीडियो को ध्यान से देखा करो। आप देखो गाइस यार ये जो वर्ड है ना, ये देखो ये मैंने बना दिया आपने पॉकेट एडिशन के अंदर, ठीक है, और ये वर्ड आप देख लो यहाँ पे, एक मतलब प्रूफ के लिए अपन कुछ चीज़ बना लेते हैं ताकि अपन जैसे ही मतलब इस वाले वर्ड को मतलब अपलोड करेंगे ना सर्वर के ऊपर तो थोड़ा बहुत फ़ायदा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक करता हूँ और कुछ भी यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, एक ऐसे चढ़ के, तो ये देखो ये एज ए प्रूफ थोड़ा बहुत मतलब अपन समझ जाएंगे, वैसे भी वर्ल्ड का स्पॉनिंग पॉइंट यहीं पे था। अब देखो आपको क्या करना है, इस ट्रिक को ध्यान से समझना आपको ये वाली ट्रिक करने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे दो चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो पॉकेट एडिशन का वर्ड है ना, ठीक है, उसी को अपलोड करोगे आप उस सर्वर के ऊपर, तो आपको यार यहाँ पर एक PC की ज़रूरत ज़रूर से पड़ेगी, ठीक है, मतलब बिना PC के आपका काम नहीं होगा। अगर आपके पास PC नहीं है, मतलब PC लैपटॉप कुछ भी होगा तो काम चल जाएगा, जस्ट आपको कुछ नहीं, आपको एक सर्वर चाहिए एटर्नोस का, और एक्चुअली वो भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक PC की ज़रूरत पड़ेगी, और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट वो सारी चीज़ें आपको मस्त फॉलो करना है, और आपके पास एक PC होना चाहिए बस। तो आपको क्या करना है कि देखो ये जो वर्ड है ना, आप देखो इस वर्ड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 7 क्विट कर देता हूँ फटाफट से, और देखो ये जैसे 7 क्विट होता है और ऑलराइट, तो कैसे आप जैसे ही अपने फाइल मैनेजर के अंदर आ जाते हो, यहाँ पे सबसे पहले आपको ना एक फोल्डर ढूंढना है जो गेम्स नाम का फोल्डर होगा, उसके बाद उसके अंदर com.mojang का फोल्डर उसको खोलना है, और यहाँ पे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड नाम का जो फोल्डर है ना, देखो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी एक zip फाइल बनी हुई है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपका जो भी वर्ड होगा ना, जिस वर्ल्ड के अंदर आपने मेहनत कर रखी होगी और जिस वर्ड को आपको अपलोड करना होगा, तो देखो ध्यान से समझना, ये देखो सबसे पहले मैं खोल के बता देता हूँ, और इसको जैसे मैं इस फोल्डर को खोलता हूँ, लेवल नेम देखता हूँ ना, यहाँ मैं HTML व्यूअर से, देखो इसका नाम है हेलो, तो ऐसे ही आप अपने वर्ड का नेम याद रखना बस, और यहाँ से आके आप अपना फोल्डर चेक कर सकते हो कि कौन से फोल्डर में आपका वर्ड है। तो अब आपको क्या करना है, देखो ये वाला जो फोल्डर है ना, इसको आपको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करो, सेंड करो, कैसे भी करके आपको इसे अपने लैपटॉप के अंदर या फिर PC के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला कि PC लैपटॉप मस्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपको आपका वर्ड को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, देन आपको अपलोडिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो इसके लिए PC ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अरेंज कर लो, अपने फ्रेंड वगैरह के पास लैपटॉप PC कुछ भी होना तो अरेंज कर लो। वैसे मैं सारी चीज़ें S2S बता रहा हूँ, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल दिक्कत तो नहीं आने वाली है। तो देखो क्या कहा मैंने कि ये वाला जो फोल्डर है ना, जो वर्ल्ड का फोल्डर है आपके पॉकेट एडिशन मोबाइल के अंदर, इसको आपको कॉपी कर देना है ऐसा कैसा आपके PC के अंदर, कैसे भी कर लो,
और राइट तो वैसे जैसा कि आप देख सकते हो कि ये देखो, ये मैंने अपना जो वर्ड था ना, अपना जो वर्ड था वो मैंने अपने लैपटॉप के अंदर मतलब ऑन कर लिया है। और एक्चुअली मेरा लैपटॉप नहीं, मेरे भाई का लैपटॉप है, तो हाँ मैंने थोड़ी देर के लिए इसे यूज़ करने के लिए ले रहा हूँ मैं। बाय द वे आप देख सकते हो कि ये फोल्डर मैंने अपना ले लिया है, और ये फोल्डर मेरा वही पॉकेट एडिशन वाला फोल्डर है, वर्ड आई मीन वर्ड है। तो यहाँ पे देखो मैं अगर लेवल नेम पे जाके अगर आपको दिखाओ ना, तो ये देखो हेलो नाम का मैंने वर्ड बनाया था, ठीक है। तो ये फोल्डर मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। अब यार डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दे रखी है, तो उस लिंक से ना MCG टूल चेस्ट करके एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है PC के लिए, तो वो डाउनलोड कर लेना है आपको। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 5 MB का होगा मैक्स टू मैक्स। तो देखो अब MCC चेस्ट ना आप गूगल से जाकर डाउनलोड मत करना, क्योंकि गूगल पे इसके बहुत सारे वर्जन है अलग अलग। तो अगर आप कोई और वाले ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे ना MCC के नाम का ही, क्योंकि MCC टूल की बहुत मतलब 2-3 तरह के सॉफ्टवेयर है इसके भी, तो कोई और सा डाउनलोड कर लोगे ना तो आपका नहीं होगा। तो जो मैंने लिंक दे रखी है ना उसी लिंक से करना, ठीक है, उस लिंक से कर लेना। अब देखो एक चीज़ बता देता हूँ कि आप चाहो तो अपने आपको टी लॉन्चर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, क्योंकि टी लॉन्चर से आप अपने PC के अंदर माइनक्राफ्ट चलाओगे। तो देखो ये सिर्फ ना सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आई मीन इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ इसको मैं अलग वर्ड दे रहा हूँ, लेकिन हाँ एक बार आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, टी लॉन्चर यानी कि माइनक्राफ्ट मतलब PC के लिए। तो ये भी अगर आपके पास PC में नहीं है ना, तो 2 मिनट के लिए डाउनलोड कर लेना आपके किसी भी लैपटॉप वगैरह में, क्योंकि इसको ना मतलब कुछ 400-500 MB का ही है, तो इतना ज़्यादा कुछ मतलब डेटा भी नहीं लगेगा आपका। और आपको MCC टूल चेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लेना। देखो ऐसे बाबा जी बने हुए आएंगे, तो ऐसा ही फोल्डर ऐसा ही मतलब होना चाहिए ऐप। तो आप जैसे ही इस ऐप को ऑन करोगे ना, तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको जाना है फाइल के ऊपर यहाँ पे और न्यू पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक मिनट में फटाफट न्यू पे कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो भैया क्या हो रहा है, अच्छा न्यू नहीं सॉरी ओपन पे करना है आपको, न्यू पे मैं गलत वो क्लिक कर रहा था, मैं भूल गया था थोड़ा सा। तो देखो ओपन पे आपको सिलेक्ट करना है, ऑन देन आपको यहाँ पे देखो जैसे मैंने डेस्कटॉप के ऊपर डाल रखा है ना, तो ये देखो डेस्कटॉप के ऊपर मैंने ये वाला वर्ड आ गया यहाँ पे। तो ये मेरा वो वर्ड है जो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर था ना, जो मैंने कॉपी किया है वो वाला वर्ड, इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट करना है। एंड देखो ऐसा आ जाएगा, देखो प्लेयर पे क्लिक करता हूँ ना, ये देखो मेरा माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के जो कोऑर्डिनेट्स थे ना जहाँ पे मैं स्पॉन हुआ था, ये देखो वो कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इन सबसे आपको कोई काम नहीं, आपको जाना है टूल्स के ऊपर आप क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कन्वर्ट, और कन्वर्ट के अंदर भी आपको दो मिलेंगे, टू जावा या फिर टू बेडरॉक। आपको टू जावा करना है, क्योंकि आपको इस वर्ड को पहले जावा में कन्वर्ट करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं अब बता रहा हूँ, मैं काफ़ी देर के बाद बता रहा हूँ ये चीज़, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपना बेडरॉक का वर्जन डायरेक्ट अगर आप एटर्नोस के ऊपर अपलोड करोगे ना, तो देखो अगर आपने एटर्नोस के सर्वर को जावा एडिशन पर सिलेक्ट कर रखा है ना, तो वो आपके वर्ड को एक्सेस ही नहीं करेगा। मतलब वो नेम वगैरह अपलोड कर लेगा, आपको वहाँ पे दिखा भी देगा, शो भी कर देगा, हाँ आपका वर्ड अपलोड हो गया है और नेम वगैरह भी आ गया है आपका वर्ड का, लेकिन आपके ना सीट्स वगैरह लेगा ही नहीं। क्योंकि देखो आप जो वर्ड अपलोड कर रहे हो वो बेडरॉक एडिशन का वर्जन मतलब वर्ड है, और जो एटर्नोस के ऊपर है वो जावा एडिशन वाला है, तो समझो वहाँ पे वो कन्वर्ट कर बाय डिफॉल्ट वो खुद कन्वर्ट नहीं करता है, तो कन्वर्जन अपने को खुद को करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे अगर आप इस फाइल पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो आपके सारे वर्ड जो आप अपने माइनक्राफ्ट के जो मतलब ये जो PC वाला माइनक्राफ्ट है ना, इसके अंदर जितने भी वर्जन होंगे ना, अब देखो हेलो वाला तो मैंने पता नहीं इसके अंदर भी बना रखा होगा, तो इसको नहीं करेंगे अपन, टेंशन मत लो। तो देखो ये वो सारे वर्ड बना मतलब बता रखे यहाँ पे जो आपने माइनक्राफ्ट अपने PC के अंदर बना रखे होंगे वर्ड मतलब, है ना। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इन सबको नहीं करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे न्यू वर्ड करता हूँ, और इसका नाम दे देते अपन सब्स दे देते, ठीक है सब्स, तो ये याद रह जाएगा मस्त, ठीक है। तो सब्स नाम का मैं ओके बनाता हूँ, तो ये सब्स नाम का है देखो वर्ड बना लिया इसने ऑटोमेटिक। और यहाँ पे आपको नेदर और दी एंड को टिक कर देना है, ताकि आपका जो नेदर और आपका जो वर्ड द एंड वाला वर्ड है ना आपके मतलब पॉकेट एडिशन वाले वर्ड के अंदर, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इधर आपको कुछ नहीं करना है, ये सब ऐसे कैसे रहने देना है, और आपको कन्वर्ट कर देना है, और हाँ बस आप कन्वर्ट कर देना है। ये देखो कन्वर्ट होने लग गया है, अब इसको ओके कर देना है, और ध्यान से देखना यहाँ पे चंक्स आने चाहिए। ये देखो जैसे मेरा कन्वर्ट होने के बाद लिखा हुआ है ना कन्वर्टेड चंक्स 18, तो मेरा 80 मेरा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ना अभी अभी वर्ड बनाया था आपको सब दिखाने के लिए, तो मेरा सिर्फ 80 है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे वर्ड काफ़ी पुराना हुआ ना, मतलब सोचो कि आपने बहुत टाइम से आप उस वर्ड के अंदर खेल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें बना रखी है, तो यहाँ पे आपके जो कन्वर्टेड चंक्स रहेंगे ना वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब मेरा बस ये है कि यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, बात ध्यान रखना। अब इसको क्लोज कर देना, इसको भी क्लोज कर देना है, ठीक है, क्लोज हो जाए भैया। बट आई तो कैसे फिर से आ चुके हैं अपन अपनी होम स्क्रीन के ऊपर। अब देखो यार अब इस वाले वर्ड को अपलोड करना है अपने को एटर्नोस के ऊपर, ठीक है। तो देखो PC के अंदर आप वर्ड कैसे फाइंड करोगे, देखो अपन मोबाइल के अंदर तो बहुत ईजी है, आप मतलब वर्ड वाले सेक्शन में जाके वर्ड ढूंढ सकते हो। लैपटॉप PC के अंदर अगर आपको वर्ड ढूंढना है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको विंडो वाला बटन दबाना है, और यहाँ पे आपको सर्च करनी एक चीज रन नाम का एक चीज सर्च करना है, और यहाँ पे जैसे आ जाएगा यहाँ पर आपको लिखना है प्रेसेंट और ऐप डेटा लिखना है, यहाँ पे ऐप डेटा और फिर प्रेसेंट लगाना है, और ठीक इंटर कर देना है, ठीक है। जैसे इंटर करोगे तो आपका ये वाला फोल्डर खुल जाएगा, जिसके अंदर आपके सारे गेम्स वगैरह मतलब जो भी चीज़ें इंस्टॉल रहती है ना उसका मतलब डेटा खुल जाएगा, मतलब एप्स का डेटा खुल जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज ढूंढनी है अपने को, माइनक्राफ्ट ही, तो माइनक्राफ्ट खोलना है आपको, ये देखो माइनक्राफ्ट खुल जाएगा, और यहाँ पे देखो सेव्स नाम का एक फोल्डर दिखेगा, तो सेव्स को जैसे ही खोलोगे ना आप, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं, तो इसमें से आपको वो वाला वर्ड देखो अपना वर्ड था सेव सब्स वाला, तो इसको करते हैं अपन यहाँ से कॉपी। तो ये किया आपने यहाँ से कॉपी, इसको क्लोज करता हूँ मैं, और इसी जगह पे इस वर्ड को फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हो जाए पेस्ट भैया,
और देखो यार ये वाला वर्ड आपने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये देखो ये वर्ड है, ये जावा एडिशन का वर्ड है, इसको खोलता हूँ तो देखो ऐसे कुछ दिखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है सिर्फ यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से क्रोम लिखना है। और टाइप तो कैसे यार, गूगल क्रोम के ऊपर आपको एटर्नोस नामक सर्वर खोल लेना है, मतलब एटर्नोस सर्च करने में जो भी आता है ना वो खोल लेना है, और यहाँ पे प्ले करना है, और यहाँ पे कोई सा भी आप अपने एटर्नोस का वर्ड वगैरह बना लेना। खैर मैंने ये वर्ड बना रखा है, लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं सब कुछ आपको शुरू से दिखाना चाहता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो ये देखो ये अलग ही राखी सावन, पता नहीं किसका एड आ रहा है यहाँ पे, इसको हटाओ। तो यहाँ से क्रिएट अ सर्वर करता हूँ मैं यहाँ पे, और देखो इन दो चीज़ों की बात कर रहा था मैं इतनी देर से। ये देखो यहाँ पे जावा एडिशन एक आ रहा है और एक और बेडरॉक एडिशन आ रहा है। तो अगर आप बेडरॉक एडिशन यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो आप अपने मोबाइल के अंदर भी वर्ल्ड अपलोड कर सकते हो और आपका वर्ल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जावा एडिशन कर रखा है तो ये देखो जावा एडिशन सिलेक्ट करना है और ये सब ऐसी रहने देना, आपको क्रिएट कर देना है, ठीक है। और इस वाले वर्ल्ड को मैं आपको मोबाइल में खेल के भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आप लोगों को यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत सेटअप कर लेना हूँ क्या क्या करना है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जाके मैं सबसे पहले पेपर बकेट का जो सॉफ्टवेयर ना ये चला लेता हूँ, ताकि पेपर बकेट का जो सॉफ्टवेयर रहता है इससे क्या होता है, इससे अपन अपने वर्ल्ड के आई मीन अपने जो सर्वर है उसके अंदर प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। देखो प्लगइन्स वाला ऑप्शन खुल चुका है, तो यहाँ से प्लगइन्स पे आते हैं और यहाँ पे अपन गीजर नामक कुछ चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है। गेस लिख देता हूँ, कुछ भी गीज लिखते आ जाएगा। ये देखो गीजर एम सी आता है, तो इसको ओपन करता हूँ मैं। भैया जल्दी जल्दी हो जा यार, तो हो जा यार। देखो ये गीजर एम सी खुल चुका है अपना, और देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है बेडरॉक 1.172 1.173। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, इनेबल क्लाइंट फ्रॉम माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन टू जॉइन यूर माइनक्राफ्ट जावा सर्वर। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लगइन्स है ना गीजर एम सी, ये क्या करता है कि माइनक्राफ्ट के जो बेडरॉक एडिशन के जो प्लेयर है ना, मतलब पॉकेट एडिशन के प्लेयर, उनको एक्सेस दे देता है कि आप इस जावा एडिशन जावा सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। आप देखो ये भी डाउनलोड हो जाना, इसके बाद आपको आना है वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वर्ल्ड के ऊपर आना है, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट करना है। आप जीप वगैरह भी कर सकते हो अगर आपने जीप फाइल बना रखी है तो। अब यहाँ पे डेस्कटॉप करना है आपको, क्योंकि आपने जहाँ पे भी कर रखा है ना वो करना है। तो देखो यहाँ पे डेस्कटॉप, और यहाँ पे देखो मैंने कौन सा वाला वर्ड अपलोड किया था भैया, अभी कॉपी कौन सा, ये देखो ये सब्स वाला वर्ड ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसको कर देता हूँ मैं ऐसे अपलोड। और ये देखो यहाँ पे अपलोड का मांगेगा, ओके कर देते हो। ये देखो अपलोडिंग चालू, और ये वर्ड अपना हो जाएगा अपलोड। तो देखो यार ये वाला वर्ड अपना अपलोड हो चुका है यहाँ पे, और अपन क्या करते हैं सर्वर के ऊपर आते हैं अब। और देखो जैसा कि मैंने बोला था प्लगइन्स में गीजर एमसी नामक प्लगइन्स आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि गीजर एमसी डाउनलोड नहीं करोगे ना तो आपका सर्वर मतलब आप मोबाइल में नहीं खेल पाओगे। और बहुत सारे लोग भी मेरे को कमेंट जो कर रहे थे कि भैया हमारे मोबाइल के अंदर तो मतलब कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, कनेक्ट आ ही नहीं रहा है। तो भैया मैं बता रहा हूँ, ये अगर आप सर्वर बनाओ ना यहाँ पे प्लगइन्स, पहले गीजर एमसी का सर्वर डाउनलोड कर लेना, मतलब प्लगइन्स डाउनलोड कर लेना है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट करके इस वाले सर्वर को ऑन करता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट में जाके देखो ये आईपी वगैरह देख लेते के ये आईपी एड्रेस में मोबाइल के अंदर डालता हूँ और अब बताता हूँ आपको, पहले सर्वर चालू हो जाए एक बार। ऑलराइट टुगेदर, अपन आ चुके हैं अपने इस वर्ल्ड के अंदर, फटाफट से मैं स्पॉन हो गया हूँ और ये रेंडर। और देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ बेका कि ये देखो गीजर नाम का वर्ल्ड है, क्योंकि ये गीजर मतलब एटर्नोस का सर्वर है ना, तो एटर्नोस गीजर वगैरह एक ही बात है। तो हाँ एटर्नोस का सर्वर है, और भाई मैं जंगल में कहाँ गया यार। ओके ओके, तो गाइस जैसा ये आप देख सकते हो यार, एक्चुअली ना वो उस वर्ल्ड के अंदर ना स्पॉनिंग पॉइंट ये वाला था। तो यार ये देखो ये रहा अपना प्रूफ, ये चीज बनाई थी मैंने और उधर जाके, और ये देखो ये मेरा वर्ल्ड बहुत अच्छे से भी चल रहा है, स्मूथली भी चल रहा है, क्योंकि यार थोड़ा बहुत फोन भी अच्छा है तो हाँ स्मूथली वगैरह चल रहा है। बाय द वे यार गाइस, जो सॉल्यूशन करना था वो सॉल्यूशन मैंने कर दिया। और ये देखो ये अपना प्रूफ, और इस तरीके से आप अपना वर्ल्ड को एटर्नोस सर्वर पे अपलोड कर सकते हो जावा एडिशन वाले सेक्शन में। और राइट, तो गाइस यार इस वाली वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं यार, काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है वीडियो पहले, लेकिन यार फिर भी मुझे काफी खुशी है इस बात की कि मैंने तो कोई इस चीज का भी सॉल्यूशन करके आपको बता दिया है। और यार चलो एंजॉय करो इस चीज को, ए वाले ट्रिक यूज करो और अपने वर्ल्ड को अपलोड करो एटर्नोस के ऊपर और मजे लो, ठीक है। अब देखो यार ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो भी अच्छे से रिस्पॉन्स देना, आपका अच्छा प्यार देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यार 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने यार, 1K 1000 सब्सक्राइबर यार, मतलब मजे आ गए, सच्ची बता रहा हूँ, मतलब मजे आ गए। और यार थोड़े दिनों में कम्युनिटी पोस्ट भी खुल जाएगी, और भाई अनशन कम्युनिटी, अपन ना इस कम्युनिटी पोस्ट को ना मैं तो इंस्टाग्राम हैंडल बना दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ मैं मतलब इंस्टा की चीजें इस पर डालेंगे अपन इसकी कम्युनिटी पर, भाई कतई मजे ले लेंगे अपन। लेकिन हाँ जो भी हो, थैंक यू सो मच फॉर यार 1000 सब्सक्राइबर, ये सब आप ही हो 1000 सब्सक्राइबर बाय द वे। तो यार थैंक यू सो मच वॉचिंग, और ये वाली वीडियो पसंद आई तो इस पर भी अपना रिस्पॉन्स दे देना एज अ लाइक एज अ सब्सक्राइब, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।